फ्लैक्सीड्स मिलाना, एक चम्मच सन जाता है, इस मील को एंजॉय करता हूँ एंड इस मील के बाद 2 महीने आप इसे जम के फॉलो करो इस डाइट को। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको 2 महीने के बाद बिना सप्लीमेंट के आपकी सारी कमी दूर हो जाएगी, बॉडी नाइटफॉल की प्रॉब्लम भी दूर रहेगी। आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए बेस्ट फुल डे डाइट प्लान तैयार किया है। मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आपको क्या क्या खाना है, यानी कि ब्रेकफास्ट से डिनर तक आपको सारे मील्स मैंने इसमें बताया है। चाहे आपको कोई भी हेयर प्रॉब्लम हो, चाहे आपको हेयर थिनिंग हो रही हो, हेयर लॉस हो रहा हो, या फिर आपको रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, तो सब में ये डाइट प्लान काम करने वाला है। इससे पहले मैंने 5 सुपर फूड्स पे वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि किसमें क्या मिलता है, जिंक के लिए कौन कौन से फूड सोर्सेस है, विटामिन के लिए कौन कौन से फूड सोर्सेस। मेरे बहुत सारे भाई लोगों ने कॉमेंट्स किए कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूं भैया, कि मैं इन सब डाइट को कैसे मैनेज करके अपने मील्स बनाऊं। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपके लिए बेस्ट फुल डे डाइट प्लान तैयार किया है। इस डाइट प्लान में मैंने वही सारे फूड्स को ऐड किए हैं जो सालों भर आपको मिलते हैं, मतलब कि सीजनल चीजें मैंने बहुत कम ऐड करी हैं, ज्यादातर वही चीजें ऐड करी हैं जो सालों भर आपको मिलता है, जिससे कि आप किसी भी सीजन में इस वीडियो को देख रहे हो आप आराम से इसे फॉलो कर सकते हो। इसलिए आपको इन मील्स को 2 महीने तक अच्छे तरीके से फॉलो करना, अच्छे तरीके से डाइट लेनी है, उसके बाद आपके बॉडी की सारी कमी पूरी हो जाएगी। मील्स में प्रोटीन, बायोटिन है, इसमें ओमेगा 3, विटामिन डी, B12 है, विटामिन ए, सी एंड डी है, उसके साथ ही इसमें जिंक है, आयरन है, साथ इसमें है डीएचटी ब्लॉकर फूड जो आपके डीएचटी को भी ब्लॉक करेगा, एंड इसमें मैंने ऐड किया है स्ट्रेस एंजाइटी रिलीफ फूड जो आपके स्ट्रेस एंजाइटी को भी कम करेगा। एंड इन मील्स में बहुत सारे फूड्स ऐसे भी है जो आपके डाइजेशन को बहुत ही अच्छा करने वाला है, फिर इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स भी भर भर के हैं। यानी कि इस डाइट को फॉलो करने के बाद आपको कभी भी डाइट के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हो, कि मैं वहां पे रेगुलर रील्स वीडियोस अपलोड करता हूं। हमारी दिन की शुरुआत होती है 1 गिलास गुनगुने पानी से, यानी कि 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है। मैं 1 लेमन अच्छे से निचोड़ता हूँ, उसके बाद अच्छे से मिला लेना है। किन्हीं को अच्छा नहीं लगता है तो आप इसमें 1 चम्मच हनी भी ऐड कर सकते हो। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सबसे अच्छा दिन का शुरुआत है, जिसमें आपको विटामिन सी भरपूर मिलने वाला है। हमारा मील नंबर 1, यानी कि हमारा ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा हेल्दी होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, जिससे कि हमें बहुत ही एनर्जेटिक दिन की शुरुआत मिले। ब्रेकफास्ट हैवी कर सकते हो, हेल्दी कर सकते हो, क्योंकि मॉर्निंग में जब आप खाओगे तो आपको दिन भर काम करना है, तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। आपको चाहे 250 ml मिल्क, उसको थोड़ा गर्म करना है, फिर उसमें 1 कप ओट्स डाल के 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है। उसके बाद आप इसमें 2 चम्मच शहद डाल लो, चीनी का यूज मत करो, बाद इसे आप ठंडा करने के लिए छोड़ दो। उसके बाद इसमें आपको 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स मिलाना है, 1 चम्मच सेसमे सीड्स, थोड़े ड्राई फ्रूट्स जिसमें मैंने 7 से 8 आलमंड्स लिए हैं, 1 अखरोट लिया है, 4-5 काजू लिए हैं, इसमें मैंने 1 बनाना चॉप करके ऐड किया है। मील में आप 1 चम्मच पीनट बटर भी ऐड कर सकते हो, कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हेल्दी फैट्स के लिए। मैं इसको अपने आप में ही एक कंप्लीट मील कहूंगा, जो स्वाद से भरपूर है, न्यूट्रिशन से भरपूर है। इसमें आपको विटामिन, मिनरल, जिंक, ओमेगा 3, प्रोटीन, बायोटीन सब कुछ भरपूर मात्रा में मिलने वाला है। इसके साथ ही इसमें डीएचटी ब्लॉकर फूड्स भी ऐड है, कि एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन होगा अगर आपको बालों की प्रॉब्लम है। एंड ये मील नंबर 2 है, इसमें मैं सिंपली जो घर की बनी हुई चावल दाल है, कोई भी दाल जो बन जाती है घर में, उसे ही मैं यूज करता हूं, थोड़े चावल दाल एंड उसके साथ सैलेड, इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सलाद में मैं लेता हूं गाजर, बीटरूट, स्पिनच, यानी कि इन तीनों का सलाद मैं जनरली खाता हूं। ये बहुत ही अच्छा मिले, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे, क्योंकि आपने इसमें बहुत ही हेल्दी सैलेड को ऐड किया है। स्पिनच है वो आयरन से भरपूर है, अगर आप आयरन रिच फूड ज्यादा खाओगे तो आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा तो आपका ओवरऑल बॉडी एंड हेयर का हेल्थ बहुत ही अच्छा हो जाने वाला है। मील नंबर 3 है, आप इसे एज अ प्री वर्कआउट मील भी ले सकते हो। जनरली मैं इसे वर्कआउट से 45 मिनट्स पहले लेता हूं। इसमें मैंने स्प्राउट्स लिया है, जिसमें थोड़ी मूंग है, चने है, किशमिश है एंड पीनट्स है। इसके साथ ही मैंने इसमें 2 फ्रूट लिया है, पपाया और ऑरेंजेस। मील नंबर 3 भी बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस बन जाती है, इसमें आपको अकेले पपाया में ही विटामिन ए, सी एंड डी तीनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जो हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ भरपूर मात्रा में मिलने वाला है। दोनों फ्रूट्स आपके डाइजेशन को भी बहुत ही अच्छा करता है, तो एक कंप्लीट मील बहुत ही ज्यादा हेल्दी बन जाता है। मील को एंजॉय करता हूं एंड इस मील के 45 मिनट के बाद मैं थोड़ा सा वर्कआउट जरूर करता हूं। फिर मिलते हैं अपने मील नंबर 4 में। अब हमारा मील नंबर 4 है, इसे आप एज अ पोस्ट वर्कआउट मील ले सकते हो। वर्कआउट करने के तुरंत बाद भी आप इस मील को ले सकते हो, कि आपकी बॉडी की अच्छी रिकवरी हो सके। इस मील में मैं जनरली स्पिनच ऑमलेट का यूज करता हूं। इसमें आपको 4 अंडों को फोड़ना है, उसमें 100 ग्राम स्पिनच को छोटे छोटे काट के बैटर बना के 1 नंबर बढ़िया सा ऑमलेट बना लेना है। बढ़िया मील है, इसे एंजॉय करो। ये तगड़ा प्रोटीन डाइट है, जिसमें आपको आयरन भी भरपूर मिलेगा पालक से। अगर आप वेजिटेरियन हो तो 100 से 200 ग्राम पनीर इस जगह यूज कर सकते हो। आप सिंपली सा पालक पनीर बना लो, जो कि बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। पनीर और स्पिनच को रोस्ट करके भी खा सकते हो। मील्स में मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि फ्लैक्स
सीड्स में क्या मिलता है, जिंक किसमें मिलता है, विटामिन ए सी एंड डी किसमें, इसके लिए अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है समझना है तो इस वीडियो के बाद आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर जाके देख लेना। अब हमारा फुल डे ऑफ ईटिंग का लास्ट एंड फिफ्थ मील, डिनर आपको हमेशा लाइट करना है जिससे कि आपको कभी भी डाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो। तो जितना आप लाइट खाना डिनर में खाओगे आपको नींद भी उतनी ही अच्छी आएगी। डिनर में मैं ले रहा हूँ 2 घी लगी हुई रोटियां, ग्रीन सब्जी जो घर में बनी हुई, आज मेरे घर में बनी हुई आलू परवल, इसलिए मैं यही सब्जी ले रहा हूँ। उसके साथ 1 कटोरी दही, इसमें मैं थोड़ी चीनी का भी यूज कर ले। अगर आपको मीठा दही नहीं पसंद तो आप इसमें जीरा पाउडर और काला नमक डाल के भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही परफेक्ट मील बन जाता है डिनर के लिए। जब आप रात में आप दही का यूज करोगे तो आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहेगा, आपका बॉडी कूल रहेगा, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। इस अगर आपको नाइटफॉल की भी प्रॉब्लम है तो उससे भी ये क्योर करेगा। जब आप ये मील लोगे, कर्ड खाओगे तो हमारे बॉडी को कूल रखेगा जिससे कि नाइटफॉल की प्रॉब्लम भी दूर रहेगी। सारी मील्स तो आपने ले लिया, सब कुछ तो फॉलो कर लिया, लेकिन मैं 3 बोनस टिप दे रहा हूँ इसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है जिससे कि आपको डाइट के साथ अपने हेयर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले। आपको इसमें 3 से 5 लीटर पानी जरूर पीना है कि बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प में ओवरऑल बॉडी में बहुत अच्छे से होगा। तो आपको कम से कम 3 लीटर, ज्यादा से ज्यादा 5 लीटर पानी आप जरूर पीना। जो चीज, आपको डेली 15 मिनट भी जरूर वर्कआउट करना है जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। लाइफस्टाइल के लिए वर्कआउट जरूरी है, एटलीस्ट कम से कम वीक में 3 दिन तो जरूर वर्कआउट आपको करना चाहिए। उसके साथ ही मैं लास्ट में कहूंगा कि आपको वीक में 3 दिन धूप तो जरूर लो यार। धूप वीक में 3 दिन भी 30 मिनट के लिए धूप में बैठना है जिससे कि आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो सके, क्योंकि आज के टाइम में विटामिन डी की कमी बहुत सारे लोगों को हो रही है। फिर विटामिन डी की कमी हो जा रही है तो इतने सारे प्रॉब्लम आती है। तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, आपको सारा पता चल जाएगा मेरी स्टोरी, मेरे साथ क्या हुआ था जब मुझे इन सारी चीजों की कमी हुई। उससे पहले आप टेस्ट करवा लो, जितने भी आपको विटामिन की कमी है, हीमोग्लोबिन की, सबका टेस्ट करा लो डाइट लेने से पहले। उसके बाद 2 महीने आप इसे जम के फॉलो करो इस डाइट को। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको 2 महीने बाद बिना सप्लीमेंट के अगर आपने इन डाइट को डेली बेसिस पे फॉलो किया ना, आपकी सारी कमी दूर हो जाएगी बॉडी की। तो आपको ये डाइट डेली बेसिस पे फॉलो करना है, इसके बाद आपको कभी भी डाइट से रिलेटेड कोई भी हेड प्रॉब्लम नहीं होने वाली।